पुलिस हाई अलर्ट पर था और राम जन्मभूमि पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन की नजर थी। वहीं जनपद में उसी दिन गुरु नानक देव का संदेश लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हालांकि शोभा यात्रा पूर्व निर्धारित थी, लेकिन इसके फैसले से उत्पन्न परिस्थितियों में भी जनपद में भाईचारा और आपसी सौहार्द बना रहा और उसी दिन भव्य शोभा यात्रा का निकलना और उसका हर धर्म के अनुयायियों द्वारा स्वागत करना और पूरी श्रद्धा और आदर के साथ ग्रंथ साहब की आरती और नमन करना लालित्य की नगरी ललितपुर अपने नाम और आयाम को सार्थक करने जैसा है। गुरु नानक देव के 550 प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में जनपद में भव्य शोभा यात्रा विशाल संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें आजादपुरा स्थित गुरुद्वारे से नदीपुरा स्थित बड़े गुरुद्वारे तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें केसरिया ध्वज लेकर घोड़ों पर बैठे नन्हे बालक बैठे थे। अति सुंदर भव्य तरह से सजाए गए वाहन में गुरु ग्रंथ साहब की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बठिंडा का बैंड और पंजाब से आई टोली ने साहसिक कर्तव्य दिखाकर लोगों का मनमोहा। इस यात्रा में पंच प्यारे पैदल चल रहे थे। मार्ग को स्वच्छ करने के लिए महिलाएं हाथ में झाड़ू लेकर मार्ग को साफ करती जा रही थी और फूलों से सड़क को सजाया जा रहा था। अपार भीड़ शोभा यात्रा के साथ साथ चल रही थी। शोभा यात्रा के बीच में अनेक जगह लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब की आरती उतारी और लोगों का अभिनंदन किया। पुलिस अधीक्षक कैप्टन मिर्जा मंजर बैग ने भव्य शोभा यात्रा की अगुवाई की। उन्होंने सिख धर्म और उनके अनुयायियों से मानव सेवा सीखने की बात कही। गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष ओमकार सिंह सलूजा ने बताया कि यह शोभा यात्रा नानक देव के 550वें प्रकाश उत्सव के पर्व पर निकाली जा रही है। इसमें सभी गुरु सिंह सभा और समाज के लोगों का सहयोग है। अन्य शहरों से भी संगत आई है। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव के शुभ अवसर पे अपने सिख ब्रदर्स के साथ आज हम लोग हर्षोल्लास के साथ ये जुलूस निकाल रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है। सभी को लख लख बधाइयाँ और हम सब बाबा गुरु नानक देव जी के बनाए हुए रास्ते पर चलें, एक अच्छा भारत का निर्माण करें और एक जो भावना हमारे सिख बिरादरी के अंदर है सेवा भाव, उससे सभी धर्म बिरादरी को सीखने की आवश्यकता है। मैं सभी को लख लख बधाइयाँ देता हूँ। बोले सो निहाल।